यूपी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी की तैयारी है। 23 अगस्त से बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू होगा। बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो 23 अगस्त से यूपी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी अपना अभियान शुरू करेगी। बूथ विजय अभियान शुरू होगा बीजेपी का और इसका शुभारंभ करेंगे खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो यह बड़ा अभियान बूथ पर फोकस करती है बीजेपी। मंत्र है बीजेपी का, बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो बूथ विजय अभियान का प्रारंभ होगा 23 अगस्त से और खुद इसको शुरू करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और अफगानिस्तान में बिगड़ते माहौल को देखते हुए अब भारत सरकार एक्शन में आ गई है। काबुल और अफगानिस्तान के अन्य जगहों पर फंसे भारतीय लोगों की वापसी और वहां के हालात को लेकर देर रात तक प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। यहां पर आपको बताएं कि काबुल से भारत के राजनयिक और दूतावास के अधिकारी वापस भारत आ चुके हैं। कल 148 लोगों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारत आया। जामनगर और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स का विशेष विमान पहुंचा, लेकिन अभी भी कई भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और वहां के हालात को लेकर प्रधानमंत्री की अगुवाई में हाई लेवल बैठक भी हुई। और आपको बताएं कि यूपी के लोग भी काबुल में फंसे हुए हैं। चंदौली और गाजीपुर के युवक काबुल में फंसे हुए हैं। दोनों ने फोन पर घर वालों को अपनी स्थिति बताई है, अपना हाल बताया है। परिवार वाले वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं सरकार से और अधिकारियों से। चंदौली के सूरज चौहान काबुल में फंसे हैं। ऐसे ही गाजीपुर के कन्हैया लाल शर्मा काबुल में फंसे हुए हैं और इनके परिजन जो यहां पर हैं ये सरकार से और अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि इन दोनों को सकुशल वापस भारत लाया जाए, वतन वापसी इनकी कराई जाए, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं इनके परिजन। अब 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई। 16 अगस्त से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है। आज ये जन आशीर्वाद यात्रा फिरोजाबाद, बाराबंकी, बांदा, महोबा, महाराजगंज, प्रयागराज, बहराइच और गोंडा में होगी। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और SP सिंह बघेल यूपी में अपनी यात्रा आज से शुरू करेंगे। विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरह से उतर चुकी हैं मैदान में और ताबड़तोड़ राजनीतिक सम्मेलन और यात्राएं कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट जन क्रांति यात्रा और एक और सहयोगी दल महान दल की संयुक्त जनाक्रोश रथ यात्रा आज भी होगी। गाजीपुर में जनवादी पार्टी की जन क्रांति यात्रा निकलेगी और महान दल की संयुक्त जनाक्रोश रथ यात्रा बदायूं जिले में होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज सोनभद्र और भदोही में होगा। बहुजन समाज पार्टी का आज ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा भदोही में, दो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। तो सभी राजनीतिक दल कमर कस रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए। जन आशीर्वाद यात्रा का समापन 19 अगस्त को मिर्जापुर में होगा। अनुप्रिया पटेल की आज प्रयागराज से जन आशीर्वाद यात्रा उनकी गुजरेगी। इस दौरान जनता के बीच जाएंगी केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में वो मंत्री बने। SP सिंह बघेल आज जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। फिरोजाबाद से आज उनकी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी और आगरा होते मथुरा में 19 अगस्त को उनकी यात्रा का समापन होगा। आज उनकी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। इसके अलावा भानु प्रताप वर्मा ने 17 अगस्त को ललितपुर से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी। झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट होते हुए 19 अगस्त को फतेहपुर में इसका समापन हो जाएगा। तो ये आज की जन आशीर्वाद यात्राएं हैं, उनकी डिटेल्स हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। कहां से यात्रा गुजरेगी, कब समाप्त होगी, कहां समाप्त होगी वो हम आपको बता रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के सहयोगी जनवादी पार्टी की जनक्रांति यात्रा है। गाजीपुर में जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट की जनक्रांति यात्रा है और सपा की सहयोगी पार्टी महान दल की भी जन आक्रोश यात्रा है। आज बदायूं में महान दल की जन आक्रोश यात्रा है और सोनभद्र और भदोही में BSP का प्रबुद्ध सम्मेलन है, उसको संबोधित करेंगे सतीश चंद्र मिश्रा।